गाइस वेलकम टू द दक्ष व्लॉग्स। एंड आज का एक व्लॉग नहीं होने वाला है, आज एक वीडियो होने वाला है विच इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, जो वीडियो है मेरे सेल्फीज के बारे में। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि मेरे जो सेल्फीज होते हैं काफी डिफरेंट स्टाइल के होते हैं, काफी यूनिक स्टाइल के होते हैं। और अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो इंस्टाग्राम पे तो अभी के अभी मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, क्रेजी दक्ष इज माई आईडी। अब काफी लोगों को ये लगता है कि एक अच्छी पिक्चर क्लिक करने के लिए आपको एक DSLR चाहिए या फिर एक SLR चाहिए, एक प्रोफेशनल कैमरा चाहिए, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक अच्छी फोटो अपने फोन से खींच सकते हैं, इनफैक्ट अपने फोन के फ्रंट कैमरा से खींच सकते हैं। सो मैं एक अच्छी पिक्चर के लिए दो चीजें यूज करता हूँ, एक है अपना फोन जिससे मैं फोटो क्लिक करता हूँ और दूसरा है Lightroom ऐप जो कि मैं अपने फोन में ही एडिट करके यूज करता हूँ। वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। सो अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो बॉडी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसमें। सो काफी लोग अपनी बॉडी को लेकर काफी कॉन्शियस होते हैं एंड स्पेसिफिकली कैमरा के सामने काफी अनकॉन्फिडेंट लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक अच्छी फोटो होने के लिए यू नीड अ गुड बॉडी, लाइक मसल शसल होने चाहिए। नहीं तो लड़कियां सोचती है कि यार पतली बॉडी होनी चाहिए एंड उसमें फेस फैक्टर भी आ जाता है। फिर काफी लोग सोचते हैं कि नहीं मेकअप होना चाहिए और काफी लोग सोचते हैं कि फेस फैट नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ। टू बी ऑनेस्ट मैं अभी अपने वर्स्ट बॉडी फॉर्म में हूँ क्योंकि मेरा फैट भी है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे एक कॉन्फिडेंट फोटो खींच सकते हैं एंड अपलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। फोटो को अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम स्पेसिफिकली डार्क कपड़े पहन सकते हैं जिससे हमारा बॉडी शेप थोड़ा सही लगे, या थोड़े लूज कपड़े पहन सकते हैं जैसे कि मैंने ब्लैक पहना हुआ है और लूज ही पहना हुआ है ताकि मेरा फैट ना दिखे और ताकि जो मेरे एक्स्ट्रा चबी फ्लैप्स जो हो रखे हैं वो ना विजिबल हो। सेकंड थिंग इज पर्सपेक्टिव। काफी लोगों को लगता है कि एक अच्छी फोटो क्लिक करने के लिए आपके पास एक फैंसी बैकग्राउंड, एक बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड, कलरफुल बैकग्राउंड ऐसा कुछ होना चाहिए और साथ में कुछ एक्सेसरीज भी होनी चाहिए बहुत तगड़ी तगड़ी। नहीं, ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। अगर आप एक अच्छा पर्सपेक्टिव रखते हो तो आप एक कूड़ेदान के पास भी एक अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हो, एक पार्क में भी अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हो। और मैं अपने टेरेस पे फोटो क्लिक करने वाला हूँ और जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ बोरियां पड़ी हैं, तो मैं इन बोरियों के साथ फोटो क्लिक करने वाला हूँ एंड आपको दिखाने वाला हूँ एक अच्छा पर्सपेक्टिव कैसा होता है। अब हम तीसरी चीज की बात करेंगे जिसका नाम है एंगल। एंगल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंगल आपकी फोटो को बिगाड़ भी सकता है और सुधार भी सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि आप एंगल कैसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं शॉर्ट हाइटेड हूँ, मेरी हाइट कम है, मैं मोस्टली प्रिफर करता हूँ लो एंगल से फोटो क्लिक करने का। लो एंगल से क्या होता है, एक तो आपकी बॉडी को अलाइनमेंट मिलता है, सेकंड थिंग आपकी बॉडी थोड़ी स्ट्रेच्ड आउट लगती है। बट इसका एक डिसएडवांटेज है, अगर आप मेरी तरह मोटे हो और आपका डबल चिन है तो वो लो एंगल से दिखता है। आई थिंक अब हमें वीडियो आगे ले जाना चाहिए और फोटोज क्लिक करना स्टार्ट करना चाहिए। वेल, आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्रिक एज अ स्टैंड एज ए सपोर्ट फॉर दिस फोन, क्योंकि मैं नीचे रखने वाला हूँ अपना फोन और फोटो क्लिक करने वाला हूँ। अगर आपके पास भी ट्राईपॉड नहीं है और अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ट्राईपॉड अवेलेबल नहीं है तो अपने आस पास देखो और रिसोर्सेज को यूज करो जैसे कि मैं कर रहा हूँ। टायर यूज करने की कोशिश कर रहा था, उसमें पानी था और पूरा गिर गया मेरे ऊपर। आई हैव गॉट फ्यू शॉर्ट्स लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो इसीलिए मैं और शॉर्ट्स लेने वाला हूँ सेम जगह पे सेम कपड़ों में। Into the great unknown, escape to a world we don't know, escape into the great unknown, escape, let's escape. सो आई हैव गॉट सम गुड शॉट्स, उनको मैं थोड़ी देर में एडिट करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और पिक्चर्स लेनी है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इस सीरीज की मैं इंस्टाग्राम पे 3 पिक्चर्स पोस्ट करूँ ताकि आपको तीनों में डिफरेंस पता लगता रहे। उस बोर्ड के नीचे से चिपकली निकली और मेरी बहुत फटती है चिपकली से।
हैव गॉट मेनी गुड शॉर्ट्स, लेकिन मैंने सारे जो शॉर्ट्स लिए हैं सेम कपड़ों में लिए हैं, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जींस एंड ब्लैक शूज। बट अब मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करने वाला हूँ, तो मैं अभी जींस चेंज करके मैं ब्लैक शॉर्ट्स पहनने वाला हूँ। काफी लोग शॉर्ट्स में घूमते हैं एंड उनको पता नहीं होता कैसे शॉर्ट्स में आपको पिक्चर क्लिक करनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट्स में कभी कभी एंगल ऐसा होता है ना कि आपके लिए काफी एम्बैरसिंग हो जाता है। तो मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप शॉर्ट्स में भी क्लिक कर सकते हैं और कैसे आप डिफरेंट स्टाइल्स ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट एंगल्स ट्राई कर सकते हैं, ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेट मी जस्ट क्विक चेंज माई क्लोथ्स। ओके, ऑलराइट, सो आई हैव चेंज माई क्लोथ्स। ऊपर की टी शर्ट सेम है लेकिन मैंने नीचे शॉर्ट्स पहन लिए हैं एंड आई एम वेयरिंग दीज क्रेजी सॉक्स, ताकि एक कलर ऐड हो जाए पूरे पिक्चर में, जो कि बहुत तगड़ा लगता है। Till the sunrise, these open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Wave goodbye to your city life, say hello to the desert sky. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. So I have got really good shots और मैं इनको एडिट करने वाला हूँ अब अंदर जाके। तो बाकी का वीडियो जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे अंदर, क्योंकि अब यहाँ पे लाइट ऑलमोस्ट जा चुकी है। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर आप बाहर आउटसाइड शूट करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम होता है 5 से 6 या फिर 4 से 5 के बीच में, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन आर, और उस वक्त काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आती है। नाउ मैं 4 से 5 और 5 से 6 का वेरिएशन इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आई डोंट नो आप कहाँ पे रहते हैं एंड आपकी लोकेलिटी कैसी है। अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैं अपनी टेरेस पे शूट कर रहा हूँ और यहाँ पे 5 से 6 के बीच में काफ़ी अच्छी लाइट रहती है, 4 से 5 काफी हार्श लाइट रहती है, इसलिए मैं 4 से 5 नहीं शूट किया। अब काफी जगह पे 4 से 5 अच्छी लाइट रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप शूट कर लेना, लेकिन हार्श लाइट में कभी शूट मत करना। अब चलते हैं अंदर और सीखते हैं एडिटिंग प्रोसेस। सो गाइस, शूट हो गए कंप्लीट एंड मैंने काफी अमेजिंग पिक्चर्स क्लिक करे हैं और उसमें से मैंने कुछ पिक्चर सेलेक्ट कर लिया और अब हम करेंगे एडिट। तो एडिट करने के लिए मैं यूज करता हूँ एक ऐप जिसका नाम है लाइट रूम। आप भी वो ऐप यूज कर सकते हैं क्योंकि वो फ्री है और वन ऑफ द बेस्ट ऐप है पिक्चर्स एडिट करने के लिए। और भी बहुत सारी ऐप्स है, जैसे कि स्नैपसीड है, ब्यूटी प्लस है, देन देयर इज पिक्सआर्ट, बहुत सारी ऐप है जो आप यूज कर सकते हैं, बट आई प्रेफर एंड आई रिकमेंड लाइट रूम, जो कि आपको भी यूज करना चाहिए। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द एडिट। सो मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट कर लिया है आउट ऑफ द लॉट एंड उसको मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ लाइट रूम में। तो एडिट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं सबसे इजी फीचर है ऑटो। अगर आप ऑटो पे क्लिक करते हैं तो ये लाइट एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, ब्लैक व्हाइट, हाईलाइट, शैडो, सब कुछ अपने आप से मैनेज कर लेगा। उसके बाद मैं करूंगा कलर्स। मैं इंडिविजुअली प्रेफर करता हूँ एडिट करना, क्योंकि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मेरी सॉक्स में बहुत सारे कलर्स हैं और मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारे कलर्स हैं, तो मैं उनको एडिट करता हूँ। और एडिट करने के लिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद रेड, देन ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन। स्काई आपको दिख रही होगी, तो स्काई को भी मेरे को थोड़ा डार्क करना है, तो मैं स्काई पे अब वर्क करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्पल और पिंक कुछ दिखेगा नहीं, बट स्टिल आप उसको अगर थोड़ा सा कंट्रास्टी कर देंगे, जो मेरी टी शर्ट है जो कि ब्लैक है उसमें थोड़ा सा शेड आ जाएगा पर्पल और पिंक का। तो जैसी कलर का काम हो गया, उसके बाद मैं जाऊंगा टेक्सचर पे, थोड़ा सा टेक्सचर बढ़ाऊंगा क्योंकि उससे ना थोड़ी सी वाइब्रेंट लगती है पिक्चर। उसके बाद मैं क्लैरिटी थोड़ी और इंप्रूव करूंगा क्योंकि ये मैंने फ्रंट कैमरा से खींचा, दिस इज अ सेल्फी, दिस इज नॉट अ प्रो फोटो, तो इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी इंट्रोड्यूस करूंगा। जब ये हो जाएगा उसके बाद मैं जाऊंगा प्रोफाइल्स में। तो लाइट रूम में बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं, मॉडर्न है, आर्टिस्टिक है, एंड देन देयर इज विंटेज आल्सो। मैं यूज करूंगा मॉडर्न एंड इसमें से भी यूज करूंगा मैं मॉडर्न 6। मॉडर्न सेलेक्ट एंड उसके बाद सेव, डन। तो ये था एक तरीका जिसमें मैंने ऑटो यूज किया और ऑटो से ही पूरी पिक्चर को एनहांस किया है। अब मैं आपको एक और डेमो दिखाऊंगा जिसमें मैं मैन्युअली एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट सब फिक्स करूंगा। तो चलिए अब सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। सो पिक्चर्स आपने ऑलरेडी देख ली होगी क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो अभी के अभी फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, मेरी आईडी है क्रेजी तक। एंड प्लीज गाइज, अगर आपको इस वीडियो को देख के थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन मिला हो, थोड़े से भी टेक्निक्स के पता चला हो, थोड़े से भी हैक्स मिले हो, तो प्लीज आप भी पिक्चर्स खींचिए और उनको एडिट करिए एंड इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए एंड मुझे टैग करिए @crazydaksh। मुझे जिसके पिक्चर सबसे बेस्ट लगेंगे उसके मैं अपने स्टोरी पे शेयर करूंगा। तो गाइज, अभी के अभी जाओ, पिक्चर क्लिक करो, एडिट करो और प्लीज शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करो, कॉमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड हाँ, मेरे बाल बहुत बड़े हो रहे थे, मैं इनको स्ट्रेट करवाने वाला हूँ, तो मैंने सोचा कर्ली हेयर का थोड़ा सा फायदा उठा लूँ, इसलिए मैंने वो पिक्चर्स अपने कर्ली हेयर में क्लिक करे हैं। ऑलराइट, बाय।